नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को लेकर। हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में करीब 147,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो वर्ष 2000 से शिक्षण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकारें आती गईं जाती गईं, लेकिन इनका स्थायी समाधान आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। उस कारण शिक्षा मित्र आज अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान हैं। इनका जो मानदेय है वो बहुत अल्प मानदेय है। 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, वो भी वर्ष में 11 माह। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एक संगठन है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, एशिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाने वाला। इस संगठन की बात करें तो गाजी इमाम आला प्रदेश संरक्षक हैं, इस समय पुनीत चौधरी प्रदेश संयोजक हैं, शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्यामलाल यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वहीं सुशील कुमार यादव प्रदेश महामंत्री हैं, जो लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से, मंत्रीगण से, विधायकों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें भी सफलता नहीं मिली है और सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी 20 जून 2024 के लिए जनता दर्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे और उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें कौन कौन सी समस्याएं का समाधान करने के लिए कहा गया है वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो आप सर्गेस्ट वीडियो को फुलवाच करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ हम बात करते हैं जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, विषय है शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान करने के संबंध में। महोदय, सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक हैं, बीटीसी उत्तीर्ण हैं और बहुत शिक्षक ऐसे हैं शिक्षा मित्र जो टेट भी उत्तीर्ण हैं, टेट सीटेट कर रखी है उन्होंने। महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये 11 माह का ही मानदेय मिल रहा है, जिससे शिक्षा मित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राण घातक कदम उठा रहे हैं। महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव वैसी शिक्षा के निर्देशन में श्रीमान निर्देशक महोदय की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन दिनांक 14 नवंबर 2023 को किया गया था। उक्त कमेटी ने कई बैठक करने के उपरांत अपना प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसके बाद भी की प्रक्रिया आदर्श चुनाव संहिता लागू होने से रुक गई थी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शासन में कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराने की कृपा करें, जिससे शिक्षा मित्रों की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान हो सके। शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए स्थायीकरण किया जाए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान करें। शिक्षा मित्रों को EPF योजना में शामिल किया जाए। शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। तो ये मांगें जो हैं रखी गई हैं प्रार्थना पत्र में, और ये एक प्रक्रिया के तहत जो लेटर है वो विभाग के लिए फॉरवर्ड किया गया है। देखते हैं इसमें क्या जवाब आता है, कमेटी की रिपोर्ट कब तक आती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।